सुशांत सिंह केस की अभी भी 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इस केस को सुलझाने में ये तीनों एजेंसियां नाकामयाब रही हैं। वेल, लेटेस्ट अपडेट आपको ये भी बताते चलें कि रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है, हालांकि उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को बेल जो है नहीं मिली है। और इसी बीच सुशांत के फैंस का इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल खड़े करना बिल्कुल सही हो रहा है। आपको बता दें, इन 3 से फैंस का भरोसा उठता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल एक के बाद एक ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जो सुशांत के सुसाइड के लिए नहीं बल्कि उनके मर्डर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, कई लोग भी सामने आए हैं जिनके बयान साबित करते हैं कि सुशांत को मारा गया है, लेकिन फिर भी इस गुत्थी को सुलझाने में ये एजेंसियां नाकामयाब हैं। वेल, एक बार फिर एक चश्मदीद ने इस केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, बीजेपी के नेता विवेकानंद गुप्ता और करणी सेना के सदस्य ने यह दावा किया था कि सुशांत और रिया सुशांत की मौत से एक दिन पहले यानी कि 13 जून की रात को एक दूसरे को मिले थे। 13 जून की रात 3 बजे सुशांत रिया को घर छोड़ने गए थे। वेल, अब एक चश्मदीद ने इस बात पर मोहर लगा दी है, जिसे ये दावा किया है कि उसने रिया सुशांत को अपनी आंखों से 13 जून को एक साथ देखा था। हालांकि रिया ने सीबीआई को दिए बयान में यही बात कबूली है कि वो सुशांत को 8 जून के बाद जो है नहीं मिली थी। वेल, अब रिया के इन बयानों को उनके पड़ोसी ने झुठला दिया है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी ने दावा किया है कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत से रिया मिली थी। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान इस पड़ोसी ने बताया कि 13 जून की शाम को सुशांत रिया को छोड़ने उनके घर आए थे। पड़ोसी ने बताया कि करीब 6 से 6:30 बजे के बीच सुशांत ने रिया को घर ड्रॉप किया था और सुशांत खुद कार ड्राइव कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि सुशांत किसी भी तरीके से मानसिक पीड़ित नहीं लग रहे थे। पड़ोसी ने बताया कि जब उन्होंने ये न्यूज पढ़ी, सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे, तो सुनते ही मेरे मुंह से निकला, ओ नो, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे कल ही देखा था। चैनल से बात करते हुए इस पड़ोसी ने बताया कि वो सुशांत से एक बार ही जो है मिले थे। उन्होंने बताया, मेरी सुशांत से बहुत अच्छी बातचीत हुई थी और एक ज्योतिषी हूँ, इसलिए सुशांत ने पूछा था कि क्या मैं उन्हें ज्योतिष सिखाऊंगा, क्योंकि सुशांत और मैं दोनों दूरबीनों के शौकीन हैं। आगे पड़ोसी ने कहा, सुशांत ने मुझसे कुछ किताबें उधार ली थी। फिलहाल 15 मिनट की इस बातचीत में उन्हें 8 से 9 बार रोका गया। शायद ये सुशांत का अपना स्टाफ था। आमतौर पर कर्मचारी अपने बॉस के बारे में ऐसा नहीं करते। 15 मिनट या फिर हर दूसरे मिनट में टोका टाकी की जा रही थी, जिससे सुशांत अपनी इंसल्ट समझ रहे थे। फिर पीछे मुड़े और रिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ। फिर 1 मिनट के बाद रिया ने सुशांत को चलने के लिए कह दिया। इस बातचीत के दौरान सुशांत किसी भी तरह से मानसिक पीड़ित नहीं लग रहे थे। उन्होंने बताया, मैं खुद एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर हूँ और मैं खुद कैलिफोर्निया में इसकी डॉक्टर रही हूँ। सुशांत बहुत ही दिमागदार, सतर्क, कॉन्फिडेंट, पर्पसफुल, इंटेलिजेंट थे। उनमें बाइपोलर का कोई संकेत नहीं था। वेल, इस पड़ोसी के बयान के बाद ये बात साबित होती है कि सुशांत मेंटली इल नहीं थे, फिजिकली फिट थे। और वहीं रिया का 8 जून के बाद भी सुशांत से मिलने की बात सामने आई है और सुशांत रिया को 13 जून को 6 बजे शाम और रात 3 बजे के करीब मिले थे। मतलब दोनों में ऐसा कुछ तो था जो दोनों 13 जून को बार बार मिले और 14 जून को सुशांत के निधन की खबर ने सबको हिला दिया। वेल, अब खबरें हैं कि सीबीआई जल्द इस चश्मदीद को समन भेज सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस बयान के बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या बड़ा बदलाव सामने आता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिख बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।